मोबाइल या कंप्यूटर में जो तस्वीर सेव होती हैं, क्या वो भी माने नुज़ूल मलाइका में शामिल है? क्या मोबाइल में जो तस्वीर सेव होती हैं, सेव करते हैं जी, क्या वो भी माने नुज़ूल मलाइका में शामिल है? हदीस में मुतलक फरमाया है कि हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि हम फरिश्ते उस घर में नहीं आते हैं जिसमें तस्वीर या कुत्ता हो। तो अब तस्वीर घर में दीवार पर लटकी हो या छत में हो या बक्स में रखी हो तो तस्वीर का रखना नाजायज है, और हर सूरत में ये साजिश आता है कि वो तस्वीर घर में है, वो भी माने नुज़ूल मलाइका होगी। ये क्या है, नोट वगैरह पर भी होती है तस्वीर, उसका क्या हुक्म है? अखबार वगैरह में की वजह से घर में तस्वीर, क्या बता रहे हैं? नोट पर तस्वीर होती है और अखबार वगैरह में भी जो है वो तस्वीर होती है, तो नोट पर जो तस्वीर है वो जरूरतन इस हुक्म से मुस्तस्ना है, इसलिए कि शरा का कायदा है अल उमूर में मकासिदिहा इन्नमल आमाल बिन्नियात वो इन्नमल इमरी मानवा। सरकार ने फरमाया कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है, और आदमी के लिए वही है जो उसने नियत की। अब यह हर शख्स जानता है कि नोट में जो तस्वीर है उसमें खरीदार का और नोट को लेने देख करने वाले का और उस के रखने वाले का कोई दखल नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट का एक जबरी फेल है और उसका जबरी हुक्म है कि फला नोट पर फला मोनोग्राम होगा तो ये चलेगा, वहां पर जो है मालियत मकसूद है, लिहाजा जिस तौर से जो है सोना चांदी रखना जायज है तो ये सोने चांदी का जो है वो बदल है। सोना चांदी ये हकीकतन अल्लाह तबारक व ताला ने इसको समंद बनने के लिए पैदा किया, समंद खिलकी है और समने इस्तिलाही लोगों के उर्फ और आदत के एतबार से अब नोट उसका कायम मकाम हो गया, तो वहां मालियत मकसूद है, लिहाजा वो उस हुक्म से मुस्तस्ना है। अखबारात वगैरह आम तौर पर वो जाय अजमत पे नहीं होते हैं, बल्कि वो इस तौर पर रखे जाते हैं कि जैसे कपड़ा वगैरह बिछाया जाता है, उसमें भी यह है कि अखबार वगैरह में अगर तस्वीर देखना मकसूद है तो वो लोग अपने कर्ज की वजह से गुनाहगार होंगे, और इस तौर पर वो अखबार को रखेंगे तो उन पर वही वईद होगी और वो उस वईद के मुस्तहिक होंगे। और अगर अखबार में लोगों की दूसरी जायज जरूरतें हैं, जायज अगराज है, मकासिद है, जो बहद जरूरत है या बहद हाजत है, और अखबार से न्यूज वगैरह मकसूद है कि दुनिया में क्या हो रहा है हम उससे बाखबर रहें, या नौकरियां वगैरह वैकेंसी वगैरह
निकलती हैं, हमें उसकी जरूरत है, हम उनके ऐलानात देखें। और दूसरी जायज पर्दें, तो इस सूरत में अगर अखबारात को देखता है रखता है तो ये भी करेंसी नोट के हुक्म में है, लेकिन इसमें करना यह चाहिए कि तस्वीरें अगर बड़ी हैं या है तो तस्वीरों को वो ढांप करके और छुपा करके रखे, जिस तौर से कि नोट भी जो है वो आम तौर पर खुले नहीं रखे जाते हैं बल्कि छिपा करके रखे जाते हैं।